ट्रिपल सी सितंबर 2023 जो कि 23 सितंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, इसमें जो क्वेश्चन ट्रिपल सी में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है। साथ में कुछ अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। क्वेश्चन आया था C2C का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसी से रिलेटेड यहाँ पर ई कॉमर्स के अंतर्गत 3 क्वेश्चन और बनते हैं एग्जाम में। फुल फॉर्म पूछा जाता है B2C का फुल फॉर्म बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B बिजनेस टू बिजनेस, C2B कंज्यूमर टू बिजनेस और C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है, यानी ऑनलाइन व्यापार जो होता है इसको ई कॉमर्स बोलते हैं। एग्जाम में ई कॉमर्स का फुल फॉर्म भी आता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट है P2P का फुल फॉर्म आया था, तो इसका फुल फॉर्म होता है पीयर टू पीयर। और काल का क्वेश्चन आया था इक्वल टू सेलिंग 107.12, यानी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो एक्सेल या काल्क में अगर ऐसा है तो क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर 108 आएगा। कैसे? सेलिंग का यहाँ पे मीनिंग होता है एक्सेल में या काल्क में कि ये जो नंबर है ये 12 से डिविजिबल हो या फिर इसके बाद की संख्या, यानी जो संख्या यहाँ पे दिया गया है और तो ये खुद ये 12 से डिवाइड हो जाए या फिर इसके बाद की संख्या, इसके पहले की संख्या नहीं। तो 12 × 108 होता है और तुरंत इसके बाद आएगी, इसलिए इसका आंसर। अगर हमें प्रैक्टिकली देखना है तो काल्क पे हम यहाँ पर इक्वल टू सेलिंग लिखेंगे और लिखेंगे (107.12) और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 108। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है इक्वल टू सम 4 (product) 4 (2), तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर 12 होगा। कैसे? ये ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन लगातार आते हैं। यहाँ पे जो सबसे लास्ट में फंक्शन है इसके अनुसार होगा, क्योंकि प्रोडक्ट फंक्शन का यूज गुणा करना होता है, तो 4 × 8 होगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। (4) लगा है, यहाँ पे सम लिखा है, सम का अर्थ होता है जोड़ना, तो 8 × 4 = 12 इसका करेक्ट आंसर आएगा। पैन कार्ड में कितने नंबर होते हैं? तो पैन कार्ड में 10 नंबर होते हैं, जैसा कि यहाँ पैन कार्ड दिया गया है वैसे सबके पास पैन कार्ड अधिकतर होगा, तो खुद देख सकते हो आप पैन कार्ड में 10 नंबर होते हैं। और इससे संबंधित क्वेश्चन और आता है पैन का फुल फॉर्म, तो पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। और पैन कार्ड 50,000 से अधिक अगर बैंक में हमें लेन देन करना होता है तब ज़रूरत पड़ती है। काल्क में सी व डी कॉलम के बीच 3 कॉलम इंसर्ट करना है या 3 सेल इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे? तो कंट्रोल प्लस से आप सेल कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। फुल स्क्रीन करने के लिए मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करेंगे, तो अगर हमें फुल स्क्रीन करना होता है तो हम मैक्सिमाइज करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर कोई प्रोग्राम जब ओपन करते हैं तो राइट साइड में कॉर्नर पे 3 बटन आपको दिखते हैं, एक होता है क्लोज का, एक होता है मैक्सिमाइज का और एक होता है मिनिमाइज का। इन सबको हम कंट्रोल बटन बोलते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया अगर विंडो को बड़ा करना है तो क्या करेंगे फुल स्क्रीन करने के लिए? तो मैक्सिमाइज करेंगे। नेक्स्ट है यदि A1 की वैल्यू 5 है, A3 की वैल्यू 4 है और A5 की वैल्यू 6 है, तो A से 5 तक (2), इसका आंसर क्या होगा? जैसा कि सम फंक्शन का यूज होता है जोड़ना, तो A1 से A5 यानी A1 से A5 इन सबको हम जोड़ लेंगे। 6 × 4 = 10 = 5 = 15, यहाँ 15 आएगा और (2) लगाए यानी 2 जुड़ जाएगा, तो 17 वैल्यू इसकी आएगी। विंडो 10 में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा होता है? तो विंडो 10 में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपका माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। और साथ में भारत OS यानी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एग्जाम में पूछा गया था, BOSS बॉस यानी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भारत में डेवलप किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब कुछ हम अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और आप सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे, विंडो 10 में स्टार्ट बटन किस साइड में होता है? तो लेफ्ट में होता है, जो चाहे विंडो 10 हो या 7 हो, तो स्टार्ट बटन जो होता है हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, बाईं ओर होता है। ईमेल लिखने के बाद भेजने के लिए किस बटन पर क्लिक करते हैं? तो सेंड बटन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं,
तो उसका करेक्ट आंसर है फोल्डर में, आप फाइल को फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सोशल नेटवर्किंग साइट कितने लोगों के बीच ट्रांसमिट होती है? तो दो से अधिक। सोशल नेटवर्किंग साइट दो से अधिक यानी कई लोगों के साथ आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक पर जितने दोस्त हैं सबको एक साथ भेज सकते हो, व्हाट्सएप में जितने लोगों को चाहो उतने लोगों को मैसेज भेज सकते हो, यानी दो से अधिक। इंटरनेट साइट का एक विशेष आईपी एड्रेस होता है जिसे क्या कहते हैं? तो इसका नाम होता है डोमेन नेम। ये इंटरनेट कोई भी वेबसाइट है उसका आईपी एड्रेस होता है तो उसको डोमेन नेम बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, यूएसएसडी का फुल फॉर्म, तो अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विसेज डाटा, तो यस होगा यानी कि हाँ फुल फॉर्म इसका ये होता है। जो स्टार और हैश से कोड होते हैं उन्हें हम यूएसएसडी कोड बोलते हैं। एक कमांड का प्रयोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में छिपी हुई फाइल या फोल्डर को शो करने के लिए करते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है। सीडी रोम का फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, तो कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होगा। कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड माउस स्कैनर, तो इसमें से मॉनिटर आपका एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर बंद होने पर किस मेमोरी के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं? तो मेन मेमोरी के नष्ट हो जाते हैं जिसमें से रैम मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो भी प्रेजेंट टाइम आप टाइपिंग करते हैं सेव नहीं किए हैं फाइल तो रैम पर सेव होता है, लेकिन पावर ऑफ होने के बाद अगर आप फाइल सेव नहीं किए हैं तो मिट जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रिंट को कंट्रोल करते हैं किसके द्वारा? तो प्रिंट को हम कंट्रोल करते हैं कंट्रोल पी के द्वारा। मेमोरी शब्द का संबंध किससे है? तो मेमोरी शब्द का संबंध स्टोरेज से है, यानी कि डेटा को स्टोर करना। विंडोज़ में डिलीट फाइल कहाँ स्टोर होती है? तो ये रिसाइकल बिन में स्टोर होती है। कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसे माइक्रोचिप भी कहते हैं और सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर आपका कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो कंप्यूटर के सभी निर्देश को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस परिणाम क्या कहलाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आउटपुट। सीपीयू का मुख्य घटक कौन है? तो सीपीयू के तीन मुख्य घटक होते हैं, एएलयू, सीयू, एमयू। एग्जाम में एएलयू का फुल फॉर्म आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और एमयू मेमोरी यूनिट। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिपल सी संबंधित जो एग्जाम में आए हुए थे, और जो भी अदर कंप्यूटर में क्वेश्चन आते हैं ट्रिपल सी में उससे संबंधित संभावित क्वेश्चन हमने अपलोड किए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छे से इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार।